सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारे गेमर और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस यहां पे मैं लैंड कर रहा हूं आज फिर से एक और बार मलेशिया के यहां पे प्लेस में, जो कि काफी खतरनाक है ये प्लेस। और गाइस यहां पर लैंड करते ही हमको मिल चुकी है भाई M4A1, जो कि इतनी खतरनाक भाई साहब, इतनी तेजी से चलती है ना, मतलब पूरा चीर के निकलती है। ओनली रेड नंबर के अलावा कुछ मारती ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। सामने एक बंदा हेडशॉट मारने की, भाई क्या है ये हेडशॉट। और गाइस अभी तो ये पहला हेडशॉट है M4A1। और गाइस सामने से एक और बंदा आया, उसको भी दो हेडशॉट लगे, पहली गोली दो हेडशॉट, और उसके बाद लास्ट में ना एक बॉडी पड़ गया यार, उसके कारण मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। एक भी बॉडी नहीं पड़ना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। सामने से एक बंदा भाग रहा है और शायद से मेरे को ऐसा लग रहा है कि 90% के उनके पास है नहीं कुछ गन वगैरह जिससे वो हमको मार सके, इसलिए वो भाग रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं गाइस यहाँ पर उसके पीछे, सबसे पहले ना थोड़ा सा लूट कर लेते हैं, क्योंकि M4A1 की मेरे पास एमओ बिल्कुल भी नहीं है, M2B की है, 9 एमओ है। चलो गाइस कुछ एमओ बस लगी उसको हेडफोन मारने में, उसको भी रेड नंबर। थारा भाई प्यारे के मतलब इतने बंदे मारेगा ना, इतने बंदे मारेगा, अलग लेवल के बंदे मारेगा। ओ भाई मेरे बंदे को किसी ने नॉक कर दिया, चलो यार इसको रिवाइव करते हैं। किसी ने M2 पे से ना ऊपर से मारा। रुको जरा, सबर करो, अभी बताते तुमको, थोड़ा रुको जरा, अभी बताते हैं मतलब हमारे बंदे को मारोगे, रुक जाओ अभी। M4A1 में अभी थोड़ा गोली ना रिलोड होने दो, वो बंदे इधर ही आएंगे। एक और बंदा आएगा, ओ भाई क्या ही, एक बंदे को फिर नॉक कर दे यार। चलो ये बंदे को हेडफोन मारने का ट्राई, उसका भी इंटरनेट लैग कर रहा है और मेरा तो फोन ही भाई पूरा थर थर काँप रहा है, इतनी गर्मी भाई, पूरा फोन इतना हीट हो चुका है, ऐसा लग रहा है मैंने ना फोन को नहीं आग को हाथ पे पकड़ के खेल रहा हूँ भाई। और गाइस यहाँ पर मलेशिया में इतने ही प्लेयर उतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते भाई, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। 29 बंदे जस्ट अभी बचे हुए हैं, मतलब जस्ट अभी हम लैंड किए हैं और अभी अभी भाई इतने बंदे खत्म हो गए, मतलब हद होती है यार। सामने एक बंदा, मैंने यहाँ पर एक बंदा ना डाउन करके रखा था, वो बंदा दिख नहीं रहा है मेरे को कहीं पे। सामने बंदा, एक और बंदा को हेडशॉट मारने की ट्राई, बंदा नॉक, ओपी बोलते खोपड़ी खोलते। अरे ये कहाँ से निकल गया भाई साहब, ये कौन सी गुंदी से निकल गया ओपी। चलो इसको भी यहाँ पर हेडशॉट मार दिया हूँ, दो बंदे को नॉक करके रखा हूँ, और एक यहाँ पर तीसरा बंदा ना जस्ट मैं जैसे बाहर आया वैसे ही अंदर चल गया, बट यहाँ पर हेडशॉट मारने की ट्राई, एक हेडशॉट था और बाकी बाद में जो लगे ना एक दो बॉडी शॉट लग गए, तो यार उससे मेरे को हेडशॉट का किल नहीं मिला। बट यार गाइस अभी मैंने कर लिया हूँ 6 किल, ओपी बोलते खोपड़ी खोलते, मतलब लैंड करते से ही मलेशिया में मैंने 6 किल कर लिया भाई, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ पर किल मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो गाइस अभी मिल चुका है डबल M2B, अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। और गाइस मुझे फुल मैप में सबसे ज्यादा पसंद आने वाली चीज है वो है डबल स्नाइपर। और गाइस आपको कौन सी स्नाइपर पसंद है, मतलब मुझे कमेंट में कमेंट करो कि आपको M2B पसंद है या AWM पसंद है या KR98 पसंद है, KR98Z। तो आज मेरे को कमेंट कर देना, और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन पर सेट कर डालना, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आती रहे और मेरी वीडियो आप ऐसे ही इंजॉय करते रहें। तो गाइस अभी जस्ट मैंने एक बंदे को ग्लू वॉल के अंदर घुस के मार दिया, और ये बंदा कतई का मैं बता कह रहा हूँ नॉन सेंस था भाई, इसके अंदर कोई सेंस नहीं था बिल्कुल भी। What the fuck? और गाइस यहाँ चाचा चौधरी की एक लड़की थी जिसको मैंने अभी जस्ट मारा हूँ, बिल्कुल यार कुछ कर ही नहीं रही थी, बट यार नहीं मानना चाहिए, दिल से बुरा लगता है, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 9 किल मैंने कर लिया हूँ और 14 बंदे अभी भी बचे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा घातक सीन और बहुत ही ज़्यादा घातक केस लड़ाई होने वाली है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तुम्हारे भाई डबल स्नाइपर से खेलेगा, इतना ही खतरनाक मारेगा क्या ही बोलूँ। सामने एक बंदा चिमकांडी बंदा, जो कि गाइस वुकोंग बन गया, बट यार उसके ऊपर ना बिल्कुल कतई गुस्सा आ रहा है कि वुकोंग क्यों बन जाते हो यार, हम बनेंगे तो ठीक है, तुम ना बना करो, नहीं तो ना गोली मारने में दिक्कत बन जाती। बट स्नाइपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑटो एम वैसे भी नहीं आता और एम लगा के ही मारना पड़ता है। तो वुकोंग बनने को तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि वुकोंग में ना बहुत ही अच्छा लगता है, जितना मतलब बंदे को नहीं लगेगा ना उतना अच्छा वुकोंग वाले बंदे को लग जाएगा। तो मेरे को फ़ायदा ही है वुकोंग, मतलब जब मेरे पास स्नाइपर है तो वुकोंग कोई बनेगा तो मेरे को फ़ायदा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी मेरे 10 किल करा, अभी जस्ट एक बंदे को खोपड़ी फोड़ा मैंने यहाँ पे, बिल्कुल कतई का अपना ना लाल लाल सा टमाटर जैसे का चेहरा दिखा रहा था, मतलब मुंडी दिखा रहा था। हेडशॉट मैंने मारा, बंदा को नॉक कर दिया। अब 11 किल मेरे हो चुके हैं और आगे चलते हैं, हमारे पथ और हमारे पैर दोनों ही नहीं रुके। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी। और गाइस मेरे यहाँ पर तीसरी नजर से मैं देख सकता हूँ दूर दराज में एक बहुत ही ज्यादा दूर में बंदा है। साले चील की निगाह मेरी, मैं सब देख लेता हूँ। सामने एक बंदा भागते हुए कहाँ जा रहा है, क्या करना क्या चाहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस सामने एक और बंदा, भाई क्या ही डैमेज किया भाई साहब, तीन बार उसने वुड पिकर से मारा था या एसके एस कोई गन होगी, बहुत ही ज्यादा जहर डैमेज किया था। बट यार मैंने भी उसको तीन गोली मारा ना, बिल्कुल बंदा यार स्पॉट में खत्म हो गया। और क्या ही बोलूं यार, खत्म नहीं नॉक हुआ था ठीक है नॉक हुआ था। गाइस मेरे 12 किल अभी हैं, इससे थोड़ा बहुत लूट कर लेते हैं। सामने एक और बंदा चिमकांडी 130 का मैंने मारा, बंदा कवर में है। अब उनको जाते हैं और कवर खोदते हैं, जो कवर में है तो उसको खोद देंगे, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम जाएंगे यहाँ पर जंप किएंगे, लेफ्ट फायर बटन से मैंने मारा बंदे को, नॉक कर दिया ओपी बोल के खोपड़ी खोल के। वही समझ में नहीं आता कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। सामने एक बंदा इंटरनेट 999 पर, ओ भाई क्या कर रहे हो बे, किसने बंद कर दिया हॉटस्पॉट को। चलो यहाँ पर हॉटस्पॉट गाइस मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ, अब आ चुका है मेरा पिन। अरे ये 300-400 के एक साथ मिल रहा है, देख रहा है बंदे, दो तीन ग्लोवाल एक साथ लग गए भाई, ऑटोमेटिक अटैचमेंट लग रहे हैं, ऑटोमेटिक बंदे गोली चला रहे हैं, क्या ही कर रहा है, मतलब इंटरनेट लैग करने के बाद सचमुच ऐसा होता है क्या। बट गाइस अभी मेरा इंटरनेट बिल्कुल भी आ चुका है और अभी मैंने कर लिया हूँ 15 के लास्ट के बंदे बचे हैं 6, अब 5 होगा ठीक है, लास्ट के बंदे बचे हैं गाइस 5, मतलब 2 बंदे और सामने एक बंदा है, एक बंदा तो दिखा। चलो यहाँ पर एक यहाँ पर शॉट मारा, 200 शॉट मिस, ओके यहाँ पर लास्ट एक गोली, भाई तवा में लग रहा है यार, सामने से होने के बावजूद तवा में उसको गोली लग रही है। बट गाइस मैंने मारा उसको यहाँ पर स्नैपर से डबल M8 भी से, बंदे को कर लिया किल। अभी मेरे हो चुके हैं 16, लास्ट के एक बंदा बचा गया, उसको मार डाला तो लाइफ जिंगल वाला, भाई साहब क्या ही डैमेज किया यार। बट उसको मार डालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा क्योंकि उसके पास शायद से K98Z है और K98Z ना भाई बहुत ही ज़्यादा जहर, एक शॉट मैंने मारा 130 का, बंदा ना छिप चुका है और ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ से भाग जाए, क्योंकि गाइस उसके तरफ ना तीन बंदे से भागते हुए आ रहे हैं, तो समझ जाओ कि वो बंदा तो यहाँ से चला गया। भाई मैं तो सोच रहा था गाइस, एक्सपेक्ट कर रहा था कि बंदे का दिमाग कितना तेज है, मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई सही में भाग जाएगा। ओ भाई चलो कुछ ना कुछ मतलब दिमाग में ना खिचड़ी पका रहा होगा, ये तीनों बंदे को मारने की सोच रहा होगा। तो गाइस हम भी उसको सोचने का थोड़ा टाइम देते हैं, भाई तू सोच ले यार, देखो जब तक सोचना है जब तक हम तेरे को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद बहुत ही गंदा मारने वाले हैं तेरे को। और गाइस मैं क्या ही बोलूँ कि कमेंट तो कर ही देना, और गाइस प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर देना। लास्ट का बंदा बचा है, चलते हैं उसके पास, कहाँ है भैया तू, भैया जी किधर है भैया जी, दिख गया गाइस भैया जी, इसको हम थोड़ा गैया जी बनाते हैं। एक शॉट मैंने मारा लास्ट का शॉट, भाई साहब ओपी बोलते खोपड़ी खोलते हमारा हो चुका है भैया। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकॉन पे सेट करना ला, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आती रहे। थैंक फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, लव माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू गाइज़।